नमस्कार, आप देख रहे हैं एचबीएन न्यूज। दक्षिण पूर्व रेलवे अंतर्गत सुईसा पोस्ट के अधिकारियों व जवानों ने इंस्पेक्टर लाल बाबू यादव के नेतृत्व में आरपीएफ की स्थापना दिवस सप्ताह के अंतिम दिन सुईसा रेलवे स्टेशन पर नेताजी सुभाष चंद्र बोस के उद्यान में वृक्षारोपण कार्यक्रम का आयोजन किया। इस कार्यक्रम के दौरान कई जवानों ने पेड़ लगाए। देखिए, दक्षिण पूर्व रेलवे अंतर्गत चांडिल मूड़ी रेलखंड के सुईसा पोस्ट के अधिकारियों व जवानों ने इंस्पेक्टर लाल बाबू यादव के नेतृत्व में आरपीएफ की स्थापना दिवस सप्ताह के अंतिम दिन सुईसा रेलवे स्टेशन परिसर में स्थित नेताजी सुभाष चंद्र बोस उद्यान में वृक्षारोपण कार्यक्रम का आयोजन किया। जहाँ इससे पहले सुईसा पोस्ट में तैनात सभी आरपीएफ के जवानों व अधिकारियों ने योगा कार्यक्रम का भी आयोजन किया, वहीं सभी जवानों व अधिकारियों ने योग किया। वृक्षारोपण कार्यक्रम के दौरान आरपीएफ के अधिकारियों व जवानों ने नेताजी सुभाष उद्यान में कई तरह का पेड़ लगाया। जानकारी देते हुए सुईसा पोस्ट के इंस्पेक्टर लाल बाबू यादव ने कहा कि इस वर्ष 36वां स्थापना दिवस था। इस दौरान 20 से 26 सितंबर तक स्थापना दिवस सप्ताह के अवसर पर स्वच्छता अभियान, स्थापना दिवस परेड, दौड़, वृक्षारोपण जैसे कई कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में उपस्थित इंस्पेक्टर एलबी यादव, ASI विकास कुमार, SK सिंह हेड कांस्टेबल, C टोपो कांस्टेबल, SK साहू, D कुमार सह RPF अधिकारीगण मौजूद रहे। ब्यूरो रिपोर्ट HBN न्यूज। और आप देख रहे हैं HBN, मैं हूँ डिस्ट्रिक्ट ब्यूरो दिनेश चंद्र कुरी पुरुलिया से। आज जो पुलिस RPF का जो स्थापना दिवस था उसका अंतिम लास्ट डे, आइए देखते हैं। हम लोग 36वां RPF स्थापना दिवस के उपलक्ष्य में आज प्लांटेशन का प्रोग्राम कर रहे हैं। इसके साथ अभी हम लोगों ने योगा का क्लास भी किया है। योगा के क्लास के साथ प्लांटेशन करेंगे। ये हमारे वरिष्ठ मंडल सुरक्षा आयुक्त श्री प्रशांत कुमार यादव साहब के निर्देशानुसार यह प्रोग्राम आयोजित किया गया है। इसके तहत हम लोग एक सप्ताह से RPF स्थापना दिवस के उपलक्ष्य में यह प्रोग्राम करते आ रहे हैं। क्या सच है क्या झूठ, अब होगा जो सच वही खबर। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले और देखते रहे HBN न्यूज।